नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, सिद्धार्थ भक्ति निवेदित काव्यरस कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। मु डॉक्टर निरंजन साहू। ये काव्यरस कार्यक्रम आपण मैंने श्रवण करवभावकवि गंगाधर मेहरंकर तपस्विनी काव्यर द्वितीय सर्ग। ये द्वितीय सर्गर पदगुड़ी संगीत श्रवण करुँचा तत्सहित तार भावपक्ष को व्याख्या आकार श्रवण कर संगीत परेषण करने आम गहणे अच्छा सोनामधन्या कंठशिल्पी सस्मिता मिश्र। मुझे स्वागत करुच्ची। तत्सहित आम गहणे अच्छा वाद्यजंत्र शिल्पी मैंने से स्वागत करुच्ची। प्रिय दर्शक बंधु, यही द्वितीय सर्गरे वाल्मीकि आश्रम विशेष करी माँ सीता सतींकर तपस्विनीकर संवाद पाई सारा सदल बड़े वाल्मीकि आश्रम शांति सेना प्रवाहित होउछि भागीरथी नदी कूल को किभली भाव से आसी सेमानकर बड़ केते से संपर्क रे विशेष भाव में स्वभावकवि गंगाधर मेहर बड़ चमत्कार पद गुड़िया वर्णना करिसेंती। आमे से संपर्क रे सुनिबा परवर्ती पदरे। टळीबे की सिला सकळ श्रुत कंपी बसिना विघुनित सिरे पड़ीबो गति पद्धति बिना से दोष भोगिबो नहीं तो शांति ए अभिजाने लागु रही छित प्रमत होई सो अभिमाने किछि दूरे जाई मिलिले मुने जानकी पासे आउ माने बिढ़ी रहिले तले डाले आकाशे वाल्मीकि आश्रम से ही शांति सैन्य माने एभली प्रबल जमी महानदी महास्रोत परी एवं रामेश्वर शिला कठिन शिला को मध्य से माने टळेई दे पारंती। विशेषकर स्वभावकवि गंगाधर मेहर कहुचंती जे शांति जो सेना से शांति सेना कौन सतरे पत्थर गुड़ को टळेई पारिबे तेबे केवल विघूर्णित हेबे शिळरे जदि पड़े से मानकर ताहले यही पद्धति हम से केवल विघूर्णित हे अर्थात तो घूर्णिबात्या हे पवन जदि घूर्णिबात्या हुए केवल से शब्द शुभव यही कहले से दशा भोगिबो नहीं तो शांति ए अभिजाने जो अभिजान करुची वाल्मीकि आश्रम आसुचंती पक्षी मान आसुचंती शावक मान आसुचंती समस्ते से ही दशा भोगिबेनि तो अर्थात से माने समस्ते परास्त हो जीवेनि तो कारण साधारण पक्षीटे से बा कौन करपरबाई कहते से दशा भोगिबो नहीं तो शांति ए अभिजाने प्रश्न पचारुचंती लागू लगुची तो प्रमत्त हो सो अभिमाने किंतु लगुची मनरे प्रत्यय सृष्टि होबुची कौन भावुंना भावुंती तथापि सो अभिमान अर्थात पक्षीटे तार जी बल अच्छी तार जी कौशल अच्छी से कौशल से मध्य निश्चित भाव पत्थर को टळेई देवाई युद्ध करने आगभर होकर लागू लगुची तो प्रमत्त हो सो अभिमान निज निजर अभिमान अनुसार निज निजर शक्ति अनुसार समस्ते प्रस्तुत हो वाल्मीकि आश्रम गति करशेष भाव भागीरथी नदी तीर को यही समय कौन ना कि दूरे जा मिले मुनि जानकी पासे यही समय जानकी माँ जनक नंदिनी जानकी पाखरे आसी वाल्मीकि पहुँची एवं तांको सहित विशेष करी अभिमाने बेढ़ी रहिले डाले तले डाले आकाशे तांको सहित जो आसुथिले वाल्मीकि सहित पक्षी माने आसुथिले डाल कु डाल उड़ी उड़ी कि आसुथिले डेई डेई कि आसुथिले एवं से माने पक्षी माने डाल मानकर रहिले आ जो माने आसुथिले
शावक आसुले हरिण हरिणी आसुले तले चुपचाप होकर ठिया हेले तेणुक वाल्मीकि निजे स्वयं माँ जानकी तपस्विनी सीता पाख को जाइंट पुणी शुणा परवर्त पद कथा श्वेत श्मश्रु केश विभूति बपु सौम्य मूर्ति वाल्मीकि महर्षि समीपे हेम गौरी सती दिशिले जे मंत तुषार तनु हिमाद्रि तले तपस्विनी श्वेत कहिले धला श्मश्रु कहिले दाढ़ी अर्थात श्वेत श्मश्रु कहिले धला दाढ़ी बेश किमिति ना विभूति विभूति कहिले पाउँश को विभूति बोली कहती अर्थात वाल्मीकि शरीर वर्णना होकर रूपर वर्णना एवं केश केश कहुए केश कहिले मुंडर बाल अर्थात मुंडर केश धला देखा जा विभूति कहिले सफेद धला देखा जाऊँश परी आ तत्सहित बपू कहिले शरीर बपू कहिले शरीर शरीर तर सौम्य मूर्ति सौम्य कहे सुंदर अजानुलंबित बाहू दीर्घ शरीर सुदीर्घ शरीर यही वाल्मीकि रूप वर्णना होती मूर्ति सौम्य मूर्ति सुंदर मूर्ति पर देखा जादिकवि वाल्मीकि आ वाल्मीकि गोटे सुंदर उपमा दि जाए कहुच्छी वाल्मीकि महर्षि महर्षि कहले महान ऋषि ब्रह्मर्षि कहले ब्रह्मतत्व ऋषि राजश्री कहले राजा आ ऋषि किंतु ये हूँ किए ना महर्षि महान ऋषि ऋषि मानक मध्य श्रेष्ठ ऋषि होती आदिकवि वाल्मीकि तेणुक वाल्मीकि महर्षि समीपे पाखरे हेम गौरी सती हेम कहले सुना गौरी कहले माँ पार्वती को गौरी बोली कह जाए एवं सती सती की सतीसाध्वी बोली कह जाए अर्थात जो भाव कहे दिशिले जेमंत तुषार देखा जाऊंट किपरी ना तुषार कहले बरफ बरफ सदृश एवं तनु तनु कहले से देह जो कहु बपू से कनु बपू माने देह तनु कहले देह देहटी किपर देखा जाऊँगी मोटामोटी भाव हिमाद्री हिमाद्री कहले हिमालय हिमाद्री सदृश देखा जाऊँगी तले ये तो ठिया किंतु तांको तले बसी भागीरथी नदी कूल जंगल भितर कांदुचंती माँ सती सीता एवं सी कौन करना जो हिमाद्री तले हिमाद्री हिमालय तले बसी गौरी से भली देखा जाऊँगी ये ना वाल्मीकि एवं तपस्विनी सीता तेबे आउ कौन घटना घटी से संपर्क शुणा पर पदरे मुनिया गमने जानो की शोक काले निवर्त हृदय रे हेला स्थगित चिंता चक्र मुनि आगमने जानकी शोक निवर्त करते मुनि महामुनि वाल्मीकि आसी पहुँची कारण नारीटे हेले से होती महालक्ष्मी तंकर दैविकत्व अच्छी से मध्य जापारती जिते बड़े देखी वाल्मीकि वाल्मीकि देखला जानकींकर जनक नंदिनी जानकींकर तपस्विनी शोक निवर्त अर्थात शोकरु से क्षांत होती शोकरु से विरती जाती आउ कांदी नाहंती लुह तंकर आखिर बाहरी नाही
देखुचंती से ही बपुवंत महाकवि वाल्मीकि को हृदय हेला स्थगित कौन स्थगित हो गला अर्थात शोक स्थगित हो गला एवं चिंता चक्र आवर्त जो चिंतार चिंताकूल थे आवर्त कहले चका भौरी अर्थात हृदय भितर जो मत्तित होता घूरी बुलूला दुखरे म्रियमाण होते से म्रियमाण अवस्था कटि जाती कहुई हृदय हेला स्थगित चिंता चक्र आवर्त नदी में जोबले जल प्रवाहित हुए नदी में भी जल भौरी हुए से ही जल भौरी भितर जमी नदी में बही आसुवा काटी कुठा जमी आवर्त भितर पड़ती से ही निर्वासित होता सीता हृदय यह जल भौरी सृष्टि होता से जल भौरी स्थगित हो गला बोले महर्षि सीता तपस्विनी सीता महर्षि प्रथम वाक्य कहते कहले बच्छे पुत्री झी मोर कहले महर्षि कहते महर्षि वाल्मीकि कहते झी आड़े सुंदर शब्द बच्छे अर्थात झी मोर पारिछी जानी जानी पारिछी तू के दुख पाइछु तोते निर्वासन दंड दे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र एवं विरह विपदरे तो भितरे विरह सृष्टि स्वामी को क्षणे न देखिबा जे देखि पारेनी जे इच्छा करेनी स्वामी को क्षणे न देखिबा पाई अर्थात सदा सर्वदा अपलक नयन जे स्वामी को से भगवान विष्णु को सदा सर्वदा चाहि रही थाए तोते विरह दशा आज घारी जो विरह विपद तोर पड़ी बही अच्छी जानी अर्थात दुख जीव कौन कड़े ना अनुकूल जीव कौन से प्रतिकूल होजाणी हो जल तो नदी नदी में विशेष भाव पहाड़ पर्वतर नदी बहिले समुद्र दिग को गति कराए ये हूँ नदीर स्वाभाविक रीति किंतु तोर दुख समुद्र रु फेरी आसूँ दुख पहाड़ पर्वत दिग को उजाणी बहुत तोते तेणु कहा जाए जे तोर विरह विपद मु जानी पारिछी तू केते दुखरे अछु माँ झी बड़ स्नेह वाल्मीकि कहुचंती माँ सीता ठाकुरानी को एवं माँ सीता तपस्विनी को पुणी कौन कहिचंती सुनिबा परवर्ती पदरे स्रोतस्वती कहले नदी नदी अर्थात स्रोतस्वती गोटे साधु शब्द प्रयोग हो मात्र पंचम श्रेणी जाए पाठ पढ़ी गंगाधर मेहर लिखुं शब्द दौंती स्रोतस्वती स्रोतस्वती कहले नदी आम पूर्व पदर शुणीछे कि भाव में नदी प्रवाह कूरे कहते वाल्मीकि कहते पूर्व पदरे वाल्मीकि कहते माँ झी मु जानी पारुछी तोर दुख को तोर विरह विपद को मु बुझी पारिछी देखी पारिछी जानी पारिछी कारण तो भाग्य रे नदी रो धार समुद्र आड़ को नुहे विपरीत रे एति पई ता परपद रे कहा जाइछी स्रोतस्वती गति सहज थाए सागर आसे ये होछि स्वाभाविक रीति नदी रो गति समुद्र को जीव जन्म नेइछी एवं से परम रे निश्चित रे भेटिवो मृत्यु जन्म हेले मृत्यु अछि दिन हेले राति अच्छी दुख थिले सुख अच्छी सुख थिले दुख भी अच्छी मृत्यु हेले पुणी जन्म मध्य अच्छी ये होची स्वाभाविक रीति प्रकृतिर नियम ठीक से ही भाव कहा जाइछि स्रोतस्वनी नदी कौन करिथाए तार गति सदा सर्वदा सागर दिगरे से समुद्र आड़क जीव बड़ व्याकुल चित्तरे से दौड़ी चाले लंघी चाले जे मु केते शीघ्र पहुँचबी समुद्र रे आत्मा जे भली भाव सदा सर्वदा व्याकुल हुए किभली भाव में मो परम पदरे मिली जीवी भगवान का चरणाबिंद रे मिसी जीवी ये होचे आत्मार वैकल्य कैबल्य सुतराम एठी कहा जाइछि ये होचे सागर रीति सागर सागर रे मिसीबा होची ये होची स्रोतस्वनी नदी रीति
पुणी कहुई जितने नदी अनेक तो नदी वर्षा हुए पहाड़ पर्वत झरणा आसे ता जल सुखी जाए बाटे मरी जाए नदी किंतु जो नदी प्रवाहमान जार धार प्रवाहमान जो आत्मार गति प्रवाहमान से निश्चित भाव परम पद प्राप्ति हुए से निश्चित भाव से नदी कौटी पहुँच समुद्र पहुँच आसला बेले लंघे शिला ता सामने जदि पड़ा पत्थर से पत्थर को लंघिकी आसे शैल पर्वत पड़े पर्वत को से मध्य टल दिए संकट कहले दुख जो प्रकार दुख पड़े नदी अबाधित गति में प्रवाहमान हटे आग को आसे जब विरुद्ध आसे जिते गुड़े विरुद्ध शक्ति आसिले से गति करे आठिक गति करे ना बारिधि संगमे बारिधि कहले समुद्र संगम कहले मिलित तो हवा बारिधि संगमे विस्मरे सबु विगत क्लेश जिते से समुद्र मिसी जाए नदी तार सत्ता हरई दिए से समुद्र बारिधि सहित तो मिसी जाए उभय जीवने न रहे आउ प्रभेद लेश नदीर जल आउ नदीर जल हो रहे ना समुद्र जल समुद्र जल से मिसी जाए था है। ये महानदी जल ये ब्राह्मणी नदी जल ये बैतरणी नदी जल ये कौन सी नदी जल बोली रहे ना से समुद्र मिसी जाए तेणु ये कथा कहुला बेले आम शुणा कि भाव से ही सरितर कथा से ही नदीर कथा जहाँ विशेषकर बाल्मीकि कहिचंती पर पदरे विधि बसे उठी मध्य रे जेबे उर्ध्वपु भेदी बाली स्तूप दिए सरिता सिंधु हृदय छेदी सरिता मरिता न पारे तारा जीवन भार हृदय विधि बसे उठी मध्य रे सब जिन गोटे विधि अच्छी विधान अच्छी विधान कौन जब भाव नदी रति नदी को अन्ना नदी अन्न नाम होम्न गा अर्थात से निम्न को जीव पूर्वर गोटे पदर आम शुणीचे जे उजाणी बहुची अर्थात तो दुख विपरीत दिगरे भी गति करुच्छे नदी मध्य उजाणी को बाहे अर्थात ऊर्ध को मध्य आसे निम्नगा तार ना हेले मध्य से मध्य उर्धायित तो हुए ठीक से कहा जाए विधि बसे अर्थात विधाता यह भाव संरचना करी चंती विधान करी चंती जे बेले बेले यही नदी सरित ऊर्ध को गति करी थाए जहाँ को उजाणी बोली कहा जाए एवं पुणी कहा जाए जदि नदीर गति पथरे बाली स्तूप पड़े पहाड़ पड़े तो निश्चित भाव नदी ताकु कटे जुआड़े कौलिया माटी नदी सियाड़ को गति करी जाए प्रायत तो आम मैंने साधारण भाव जितेबले जीवन जीव जीवन व्यतीत करूँ जितेबले कठिन जीवन आसे से आम सहज पथ को बाछी नौ ठीक से ही भाव नदी कठिन शिला को भेद कर शक्ति पाखे जुआड़े कौलिया पथ अच्छी सियाड़ को जाए जमी नदी बही जाऊँगी देवी नदी बही जाऊँगी महानदी बही जाऊँ ब्राह्मणी बही जाऊँ बैतरणी ये नदी मैंने बही जाऊला बेले सामने जदि बालीस्तूप पड़े से कौन आ रखे बालीस्तूप को भेद कर से गति करें तेणुक जे हृदय छेद करी से समुद्र में पहुँचे अर्थात तो समुद्र में पहुँचवा हूँ नदीर धर्म पुणी कहा सरित सरित कहले नदी स्रोत सोनी कहले नदी अच्छा सरित मरीते नपे नदीर केवे मृत्यु ना एवं सेपाई कहा जाए नदी को कहा जाए जे जल सदा सर्वदा प्रवाहित हो नद आउ नदी बोली कहा जाए से जल जो प्रवाहित हुए मरी पारे नी जो थी मरी जाए अधारे से रही जाए तेणुक अनेक नदी अच्छा जो मैंने कि
जल प्रवाह सदा सर्वदा अच्छा जमीती कहा जाए महानदी हूँ आम जीवन रेखा अर्थात जल प्रवाह करुच्ची समुद्र में गति कर समुद्र में निपतित हो ठीक से ही भाव सरित मरित नपारे तार जीवन भार जेड़े भार पड़े भार कहले पाखरे पथरे जदि पहाड़ पड़ा पत्थर पड़ा बालिस्तूप पड़ा जहाँ पड़े भार जहाँ होना कहीं काटी से गति कै कड़क समुद्र को जमी महानदी गति कर पहाड़ पर्वत मध्यप्रदेश भेद करी गति कर गति कर पहुँची बंगोपसगर में ठीक से ही भाव सरित मरित नपारे तार जीवन भार हृदय प्रसारी रखई हई हृदय आकार किए हृदय प्रसारिकी रखे महासमुद्र जलधि महासमुद्र जलधि हृदय प्रसारिकी रखी सरित आस आस सरित मो हृदय रे मिसी जाओ यही बाहु प्रसार करी समुद्र रखी ठीक से ही भाव एठी उपलक्ष्य करा जाई कि भली भाव ना जे भली भाव आसी शांति सेना वाल्मीकि आश्रम रु एवं तत्सहित वाल्मीकि पहुँची जा सती सीता पाखरे सती सीता सहित वाल्मीकि जो विशेष भाव आलाप हो आलापर सब जानी वाल्मीकि जानापर सीता शोक निर्वापित अर्थात सीता समिश्रित होती दुख उपनोदन होल्मीकि सहित मिशिंट आलाप आलोचना होती प्रिय दर्शक बंधु यही प्रसंगे सीता ठाकुराणी प्रसंगे विशेषकर वाल्मीकि कौन करे किभली भाव सीता ठाकुराणी को नेबे आश्रम को से संपर्क शुणा समय हो जाए अध्याय को ये रखा पुणी देखा परवर्ती अध्याय से पर्यंत विदाय दिंतु जय सीताराम।